हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, अभी बज रही हैं सुबह की 10। तो सुबह की 10 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ विद मीनाक्षी में। तो फ्रेंड्स, अभी सारा काम मेरा हो चुका है, बस अभी नाश्ता मैं करूँगी और कपड़े वगैरह थोड़ा सा धोऊँगी। तो फ्रेंड्स, सारे काम मेरे हो चुके हैं और नाश्ता भी करूँगी और थोड़े से कपड़े हैं वो मैं धोऊँगी। बाकी मेरा सारा काम हो चुका है, बच्चे आएंगे तो फिर लंच बनाऊँगी। तो यही होता है फ्रेंड्स, डेली डेली का रूटीन मेरा वही है। और मोस्ट ऑफ ब्लॉग में मेरा डेली रूटीन ही रहता है, या कुछ बनाना होता है तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको भी मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, चाहे मेरे डेली रूटीन के ही वीडियो हैं। तो थोड़ा बहुत तो मैं आपका एंटरटेनमेंट करती हूँगी, तो आशा करती हूँ कि आपको भी पसंद आते होंगे मेरे वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, और जो थोड़ा बहुत काम है वो भी निपटा देती हूँ। बने रहिए आप मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नाश्ते में आज आप देख रहे होंगे मैंने बनाया था पनीर, वो भी कल रात का है पनीर। और 2-3 रोटियां मैंने ले ली हैं, वो भी बासी रोटियां हैं। तो बासी रोटी मैं खाती हूँ, अक्सर हम लोग खाते ही हैं बासी रोटी। और थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा अचार मैंने ले लिया है। तो आज का मेरा ये नाश्ता है, तो अच्छा लगता है मुझे, मतलब काम फ्री होके तब नाश्ता करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं नाश्ता करती हूँ और आप बने रहे मेरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी है दिन का टाइम और बच्चे भी आने वाले हैं और सारा साफ़ सफाई मेरा हो गया है। और दिन के लंच में मैं दाल चावल आज सिंपल सा बना रही हूँ, मिक्स दाल मैंने रखी हुई है और थोड़े से चावल मैं बना लूँगी। और दीदी भी आने वाली है, अब डेली डेली क्या ब्लॉग बनाएं क्या बनाएं सोचना पड़ता है, लेकिन कभी बीच में कुछ अलग हो तो अच्छा लगता है। तो मैं भी दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग वीडियो बने। आई होप कि आप इन्जॉय करते होंगे मेरी वीडियो के द्वारा, पसंद आती होंगी आपको। अभी मैं बस बच्चों का ही वेट कर रही थी, तो कपड़े वगैरह भी सब मैंने बाहर डाल दिए सुखाने के लिए। और 2 दिन से यहाँ पर बहुत ठंडी थी, अभी यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा है, मतलब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी। आप देख रहे होंगे मैंने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है अभी, तो मौसम एकदम बहुत अच्छा है। बाहर धूप खिली हुई है काफ़ी अच्छी, खिड़की से भी काफ़ी अच्छी धूप है, अंदर तक आ जाती है, आप देख लेंगे। वेट कर लेती हूँ बच्चों का, और आज शाम को थोड़ा हमें कहीं जाना भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी हो गई है 4:15। हम निकल रहे हैं घर से एकदम रेडी होके, और हम जा रहे हैं आज गुरुद्वारे। मेरी फ्रेंड ने हमें इन्विटेशन दिया है, उनके बेटे का बर्थडे है, तो चलिए चलते हैं। अभी आजा, अभी अभी रेडी हो चुका है, चलो तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। चप्पल कहाँ निकाल लें मुझे पता भी नहीं है। तो हम गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं और सर पर हमने ये पल्लू भी ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर पल्लू रखना अनिवार्य है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं सेम वैसे ही, ये देखिए गुरुद्वारे का लुक सुंदर है। चप्पल कहाँ पर उतारनी है ये नहीं मुझे पता, मंदिर में कहाँ उतारते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऊपर चलते हैं, देखते हैं वहाँ मिलेंगे ऊपर चलने के। यहाँ पर मुझे मिली है अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है, मेरी न्यू फ्रेंड है, हेलो हाय। और अभी भी बनी है और हम आए हैं आज गुरुद्वारे में, और ये छोटा सा बेबी इनका है। आजा इधर देख, हेलो करो, वीडियो में देखोगे आप, वीडियो में देखनी है फिश, चलो फिश देखो, चलो ठीक है। और ये रही तालाब में फिश, गोल्डन ब्रिज।
ये गोल्डन ब्रिज है ना, हाँ दिख रहा है। आ जाओ, और यहाँ पर पल्लू रखना जरूरी है सर पे, तो यहाँ पर मैंने रखा है सर पे पल्लू, सबने रखा है। बच्चे देखना काइट उड़ा रहे। हेलो हेलो करो, नहीं गिरना। ये देखो उधर है गोल्डन ब्रिज, सिल्वर ब्रिज, उधर गोल्डन ब्रिज। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर मेन दरवाज़ा जिसको साहिब दरबार बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं अभी, और यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये है मेरी फ्रेंड, इनके बेटे का बर्थडे था और इनकी वजह से हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुद्वारे में। सत श्री अकाल। इनसे तो आप मिल चुके हैं, तो अभी यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया तो बहुत अच्छा लगा, प्रसाद मिला हमें। तो चलो आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ रोटी बनाने की मशीन, रोटी बनाने की, हाँ चपाती बनाने की मशीन। तो अभी हम हैं गुरुद्वारे में, यहाँ पर डाला, यहाँ से रोल होके जाएंगे। हाँ हो, यहाँ पे आटा डालना है या गूंथना है? उधर से गूंथेगा। अच्छा यहाँ से गूंथेगा है, नहीं यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ से आटा ऐसे फिसल के जाएगा ना। हाँ हाँ, फिर वो रोल होगा, सीट बन के आएंगे उसके निकलेंगी तो। ओके यही होगा, मुझे तो देख के तो यही है। और यहाँ पर रोटियाँ सिकेंगी शायद, मुझे लग रहा है ये गैस है ना। हाँ ये बर्नल है, बर्नल गैस। रोटी का सैंपल भी देख लो। इस तरह से थोड़ी बनेगी, गोल होगी रोटी तो यार। पता नहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं ये तो ऐसे निकलेगी ना, होगी गोल बोली। ये देखो सिलेंडर भी रखे हुए हैं यहाँ पे। हैं क्या बोल रहे हैं? जब चलेगा ना तो बोलना, मुझे बुला लेना तब बना लेना। चलती तो होगी ना? चलती होगी पर पता नहीं कब चलती। शाम की रोटी खा के जाएंगे है ना। ये है बहुत जल्दी आ जाते हैं संडे में, सुबह सुबह ही आ जाते हैं। कौन? ये लोग 6 बजे। हाँ यहाँ आते हैं ना। मशीन तो है मगर मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या होता है उस। तो फ्रेंड्स ये है आटा गूंथने की मशीन, और अब हम लोग बनाते हैं खाना वाना, हमने खा लिया है और अभी हम लोग बनाएंगे रोटी, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसे रोटी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कि सेवा करना, तो वही हम लोग यहाँ पे मतलब रोटी बना रहे हैं। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे रोटियाँ भी बनाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये छोटी लड़की भी हमारे साथ रोटी बना रही थी, और बहुत अच्छी ये रोटियाँ बना रही थी, इसलिए मैंने इसका भी वीडियो ले लिया यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगा इसको देख के भी मुझे। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, तो चलिए फ्रेंड्स अब घर जाते हैं। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, शांति और सुकून महसूस हुआ यहाँ पर आके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं घर को, और आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
और जो मेरे चैनल पर नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।